नमस्कार दोस्तों, मेरे पीछे जो आप ये सेब देख रहे हैं, इन्हीं सेब के पेड़ों पर किसान कितना फंगिसाइड डालते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें कितना ज्यादा फंगिसाइड डालना पड़ रहा है, ये देखकर आपकी आंखें खुल जाएंगी। क्योंकि कहा जाता था कि एक सेब रोजाना खाने से आप डॉक्टर को दूर रख सकते हैं, पर अब उल्टा हो गया है। यदि सेब आपने छिलके के साथ खाया तो कितना ज्यादा फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड खाते हैं, ये वीडियो में आपको पता चलेगा। इस वक्त मैं हूँ मनाली से ऊपर एक गांव में, और यहाँ चारों तरफ बाग हैं, सेब के पेड़ हैं, और इन्हीं सेब के पेड़ों में कुछ सालों पहले तक कोई पेस्टिसाइड नहीं डलता था, लेकिन अब किसान की मजबूरी हो गई है कि इतना ज्यादा पेस्टिसाइड डालना पड़ रहा है। पहले तो मैं आपको एक नमूना दिखा देता हूँ कि कितना ज्यादा फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड डल रहा है यहाँ के सेब के पेड़ों में। ये जो नमूने पड़े दिख रहे हैं आपको, ये बाग के बीच में है। ये दिखाते हैं कि इसी बाग पर कितना ज्यादा फंगिसाइड छिड़का जा रहा है। मैं पंकज से कहूँ इसको दिखाएं, चारों तरफ सेब के बाग है देखिए, और बीच में ये फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड की बोतलें और ये पॉलिथीन है। अब सवाल ये आता है कि जो सेब कुछ साल पहले बिना पेस्टिसाइड के हो जाता था, अब क्यों डालना पड़ रहा है? तो चलिए इसी गांव के योगराज से पूछते हैं, जो सिनाक गांव के हैं, हिमाचल के मनाली जिले के, कि इतना ज्यादा फंगिसाइड आपको क्यों डालना पड़ रहा है। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार जी योगराज जी। नमस्कार जी। आप जैसे पेस्टिसाइड छिड़क रहे थे, अभी हमने देखा सेब हालांकि ज्यादातर टूट चुके हैं, फिर भी फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड डाल रहे थे, छिड़काव क्यों कर रहे थे? वो तो रिकमेंड डोज होती है हॉर्टिकल्चर वालों की, जो बताई जाती है कि इतनी रेशो पे इतने पानी में इतने इतना डालना पड़ेगा। रिकमेंडेड डोज है। हाँ जी, रिकमेंडेड डोज होता है, ऐसा नहीं होता है कि ओवर जाला जाता है। कितने बार डालते हैं, मतलब मान लीजिए 6-8 महीने में? वो स्टेज टू स्टेज होता है, जैसे फ्लोरिंग हो गई उस वक्त करना पड़ता है, फिर फ्लोरिंग के बाद इसका चेयर स्टेज होता है, फिर वॉलनट स्टेज होता है सेब का, फिर आपका इसका प्री हार्वेस्ट स्टेज होता है और हार्वेस्टिंग स्टेज, वहाँ तक तो करना ही पड़ता है। वहाँ तक ये स्टेप बाय स्टेप आपको कुछ पेस्टिसाइड, कुछ मिनरल्स, 20-25 दिनों का गैप होता है, तो तब तक खाद के अलावा के हैं ये पेस्टिसाइड? हाँ, ये तो फॉलियर में है, ये फॉलियर में न्यूट्रिएंट वगैरह भी डालने पड़ते हैं। न्यूट्रिएंट में ज्यादातर ऐसे तो गोबर ही डालते हैं, तो कहीं पर खाद वगैरह भी डाल लेते हैं। ग्रोथ प्रमोटर भी डालना पड़ता होगा? वो वैसे इधर बहुत कम यूज होता है, उतना नहीं होता, इतना ग्रोथ प्रमोटर वगैरह नहीं होता। पेस्टिसाइड वगैरह जो रिकमेंडेड डोज है वो करना पड़ता है। आपने अपने पिताजी से भी पूछा होगा, पहले 20-30-40 साल पहले की बात करें तो क्या डलता था इतना पेस्टिसाइड? नहीं, इतना तो बिल्कुल नहीं डलता था। पेस्टिसाइड नहीं डालने तो प्रोडक्शन हो सकता है थोड़ी कम आ जाए, कम हो सकती है, और जो खूबसूरती सेब की इतनी ना रहे। नहीं, आपको कई जगह ऐसी मिलेगी जहाँ पर मतलब वो सेब भी उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, मतलब जो खरीदने वाला होता है वो उसे पहले नकार देता है कि हमारे को ये नहीं चाहिए, तो इसलिए उसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए, साइज बढ़ाने के लिए और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ये सारी चीजें डालनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो नहीं करेंगे तो थोड़ी खूबसूरती कम होगी, थोड़ी प्रोडक्शन कम होगी, साइज भी थोड़ा कम होगा। और उसके अलावा ऐसा है कि किसान का जो इनपुट हम डाल रहे हैं वो ज्यादा खर्चा हो रहा है उस पर, जैसे दवाइयाँ हो गई या कोई नीचे हम नीचे डालते हैं, तो ऐसा है कि उसके अकॉर्डिंग हमारे को आउटपुट ढंग का नहीं मिल रहा है। बिल्कुल ठीक है आपने, कि मतलब प्रोडक्शन इनपुट कॉस्ट ज्यादा बढ़ गई है, उस वजह से डालना पड़ता है और ये मजबूरी हो गई है। मजबूरी हो गई है। अगर आपको कोई कहे कि जी आपका रेट अच्छे मिल जाएंगे और आपकी प्रोडक्शन भले थोड़ी कम हो, तो आप पेस्टिसाइड कम कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं जी, अगर हमारे को मार्केट उस तरह की मिल जाए, केमिकल से ज्यादा अच्छी मिल जाए, तो हम दूसरे दिन को ही ये मतलब कम करना शुरू कर देंगे। दूसरे दिन ही पेस्टिसाइड डालना? बिल्कुल कम करना शुरू कर देंगे, और एक दिन मतलब आपको कुछ टाइम बाद बिल्कुल ही खत्म कर देंगे। तो आपने कहा कि रेट अच्छे नहीं मिलते हैं अगर वैसे केमिकल फ्री करें तो, लेकिन अब भी क्या रेट में फर्क आता है? 10 साल पहले जो मिलता था, अब रेट तो लगभग वैसा ही है शायद सेब का, कभी कभी ऊपर जाता है? रेट तो लगभग वैसा ही है, पीछे से काफी सालों से वही चला हुआ, कभी थोड़ा सा बढ़ता है और कभी थोड़ा सा घटता भी है, तो ऐसा है कि मतलब घट ही रहा है लगभग वो, क्योंकि हमारा, मैंने बताया ना आपको कि हमारा जो इनपुट ज्यादा लग रहा है, इसमें इनपुट कॉस्ट बहुत ज्यादा है, हर साल ये बढ़ रही है, खादे बढ़ रही है, कोई पेस्टिसाइड के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो ऐसा है कि हमारे को फिर प्राइस नहीं मिल रहा है ढंग का, तो उसको भी थोड़ा प्रॉब्लम से तो आ रही है प्रॉब्लम, मतलब भाव नहीं मिल रहा है, लेकिन इनपुट कॉस्ट बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, केमिकल बढ़ते जा रहे हैं, तो बढ़ते, ये मजबूरी बन गई है, मजबूरी बन गई। और इसे छोड़ेंगे तो शुरू में डर क्या है कि प्रोडक्शन कम आ जाएगी, प्रोडक्शन कम आ जाएगी तो और दिक्कत आ जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो दोस्तों, जैसा योगराज ने बताया कि इन्हें दोहरी मार पड़ रही है, मजबूरी देखिए, एक तरफ तो खर्चे बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ इनको भाव जो 10 साल पहले था वही अब भी वो भाव है, केमिकल वाले सेब का भी कभी कभी एक आध बार बढ़ता है, लेकिन इनपुट कॉस्ट की लागत लगातार बढ़ रही है। ऐसे में किसानों को जो दोहरी मार की मैं बात कर रहा हूँ, केमिकल डालना भी पड़ रहा है और ऊपर से रेट भी नहीं मिल रहे, लेकिन
इसके तीसरी मार ये है कि उपभोक्ताओं को ये केमिकल खाना पड़ रहा है, क्योंकि 15-15 पेस्टिसाइड रिकमेंडेड डोज छिड़कने पड़ते हैं, किसानों की मजबूरी बन गई है। अब सवाल ये है कि ये तो समस्या होगी, समाधान क्या है? हिमाचल में किसानों को सेब की प्राकृतिक खेती करवाने की मुहिम चलाई थी यहाँ के पिछले गवर्नर आचार्य देवव्रत ने। उन्होंने बहुत से किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसका नतीजा ये आया कि आज हिमाचल में बहुत सारे किसान केमिकल फ्री प्राकृतिक सेब उगा रहे हैं। एक ऐसे ही किसान दयाराम की स्टोरी हमने आपको दिखाई थी। दयाराम सुभाष पालेकर की प्राकृतिक खेती विधि से बिल्कुल शुद्ध सेब उगा रहे हैं। अब पेड़ों पर सेब खत्म हो गए हैं। अगले सीजन में हम आपको उन सभी किसानों की जानकारी देंगे जो हिमाचल में प्राकृतिक तरीके से सेब उगा रहे हैं, ताकि ऐसे किसानों को सीधे ग्राहक मिले और आपको केमिकल फ्री शुद्ध सेब मिले। तो इसका समाधान ये कि जो डॉक्टर साइंटिस्ट हैं वो इनको ऐसे स्टेप बाय स्टेप बताएं कि कम करते जाएं पेस्टिसाइड को, उसमें प्राकृतिक चीजों को बढ़ाते जाएं, फिर धीरे धीरे जो है जैसे एक दूसरे किसान करें ये भी कर पाएंगे, सब मिलकर करेंगे तो ये फिर संभव है। जैसी मुहिम गवर्नमेंट ने चलाई केमिकल को बढ़ाने की, यूरिया को बढ़ाने की, वैसी ही मुहिम अब साइंटिस्ट के द्वारा चलाई जानी चाहिए, यूनिवर्सिटी के डॉक्टर के द्वारा चलाई जानी चाहिए कि किसान भाइयों केमिकल की ये डोज कम करते जाइए, दूसरी चीजें बढ़ाते जाइए, इससे डबल फायदा होगा। जो इनपुट कॉस्ट की बात की, जो बढ़ रही है वो घटेगी, ये भी एक बचत होती है। मान लीजिए इनको एक एकड़ में 20-30 हज़ार रुपए की इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है, अगर वो बच जाएगी तो वो बचत है, और जब केमिकल फ्री चीज होगी तो उसकी मार्केट अब बढ़ रही है। हम ऐसे ही किसानों को दिखाते हैं सीधा जो शुद्ध चीजें उगाते हैं, और बहुत से आप जैसे दर्शक हैं जो इनसे सीधा खरीदना चाहते हैं, पर जरूरत है केमिकल फ्री शुद्ध चीजें उगाने की। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हो सकता है कोई साइंटिस्ट या गवर्नमेंट जागरूक होकर किसानों की हेल्प करे, ये न डोज रिकमेंड करे कि ज्यादा से ज्यादा डालें बल्कि कम करवाए। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।